व्हाट्सअप व्हाट्सअप नहीं यूट्यूब मैं अभी तो हमें नाम नहीं पता लेकिन ओए ये देख पूछ के बताते हैं क्वालिटी कितनी बेकार आ रही है। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग इट्स जय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे घर पे, आज हमारे एग्जाम खत्म हो गए हैं तो हमने होटल से कर दिया है चेकआउट और हमारा जितना भी सामान है लगेज है हमने स्टेशन पे ही रखवा दिया है डोरमेट्री में, मतलब वो जो लगेज ही रहता है वहाँ पे। और हमने कुछ सामान भी लेना था क्योंकि खाने पीने के लिए चाहिए तो आना है जाना है तो शॉपिंग भी कर लेंगे और आपको हम दिखा भी देंगे कि नागपुर का इंप्रेस मॉल कैसा है क्योंकि इंप्रेस मॉल जो है मतलब स्टेशन से बहुत ही पास में है। तो हमने सोचा कि घूम के भी जाते क्योंकि हमारी ट्रेन को बहुत टाइम है अभी, तो हम आ गए हैं सीधा निकल के आपको भी दिखाते हैं नागपुर ये इंप्रेस मॉल जो है नागपुर का कैसा क्या है सिस्टम और पास में दिखने में तो हाँ और पास में यहाँ पे ना वो भी है क्या बोलते हैं इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल भी है इसके बगल में जुम्मा महल, जुम्मा महल जुम्मा महल तालाब नाम का है कोई चीज़ वो भी हम चलो आपको दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कैसा क्या सीन रहता। तो चलो क्या है ये क्या बना रहे लोगों ने इंप्रेस मॉल में देखते खेल सकते हैं फुल पेंटिंग वेंटिंग हुई है खुशबू आ रही है पुताई उताई की अभी अभी हुई है ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको ऐसा लगता है के स्टाइल तो दुकानें और बड़ी बड़ी कर देंगे हैं वो देख सामने आइसक्रीम 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 तो बच्चों के लिए मतलब पूरा वो सजाने का सिस्टम कर रहा था ना
गाइज़, यहाँ पे मैं पहले भी आया हूँ वैसे, ये जो इम्प्रेस मॉल है, लेकिन इस बार जो इन्होंने डेकोरेशन करी ना यहाँ पे, मतलब शानदार एकदम, मतलब छोटे बच्चों के लायक एकदम, मतलब शानदार जगह है छोटे बच्चों के लिए। और मतलब काफ़ी तरीके की नई नई चीज़ें हैं। तो अभी नीचे वाला जितना एरिया है यहाँ घूम रहे हैं, फिर अभी ऊपर जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो चलो पानी वानी कैसे होया इधर, वो देखते दो भैंस है, लाल और काले का क्या मिक्सचर है रे, नीचे भी यही कर रहा है लाल और एक ब्लू, डार्क ब्लू। देखा जाए तो लैम्बोर्गिनी का साइन है। ट्रेंड्स वाले बहुत लूटने लग गए आजकल यार। What we do here is go back, 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 back. गाइज़, अभी हमने मतलब अच्छा खासा घूम लिया है वैसे, ये जो अपना इम्प्रेस मॉल है, लेकिन यहाँ पे कई सारी दुकानें ऐसी है ना जो अभी तक चालू भी नहीं हुई है, मतलब काम चालू है उनका लेकिन अभी तक ठीक से चालू नहीं हो पाई, मतलब पब्लिक के लिए ऐसा चालू नहीं हो पाई। और क्या बोलते हैं, मतलब शटर गिराए हुए और बस सामान जमाए रखे, लेकिन कुछ कुछ दुकान तो ऐसी है जिसमें सिर्फ सामान ऐसा पड़ा हुआ है, वो जमाया हुआ भी नहीं है। तो वही है कि मतलब है, मतलब अच्छा, लेकिन उतना खास अभी के लिए नहीं है। जब एक बार पूरी तरीके से चालू हो जाएगा तभी अच्छा लगेगा और तभी मज़ा आएगा ज़्यादा। वैसे ठीक है, कोई खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। गाइस, अभी हम बाहर निकलने का कर रहे हैं, यहाँ से सीधा बाहर निकलते हैं, दूसरी जगह भी जाते, देखते अगर कुछ रहता है तो, नहीं तो आपको बताएंगे स्टेशन में कैसा सीन रहता है नागपुर स्टेशन जो है। तो अभी चलते हैं। ये भाई अपना अलग घूम रहा मस्त, व्हाट्सअप नहीं यूट्यूब। तो गाइज़, अभी हम इम्प्रेस मॉल से बाहर आ गए हैं और इस्कॉन टेम्पल की ओर जाने लग रहे हैं। यही रास्ता है, मतलब जस्ट वाले थोड़ी देर में ही दिखाएंगे आपको यहाँ का छोटा सा एक तालाब है, इसका नाम जुम्मा शायद नाम है, अभी तो हमें नाम नहीं पता, लेकिन वही ये देख पूछ के बताते हैं। क्वालिटी कितनी बेकार आ रही है यार, ये वाला कैमरा तो सही चल रहा है, इसमें इतने दिख नहीं रहे पर ग्रेन तो फिर भी है।
बिल्डिंग अच्छी लग रही है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। गाइस ये जो आप सामने देख रहे हैं ये यही है इस्कॉन टेम्पल। चालू सा तो लग रहा है पर एक बार अंदर जाके भी देखते हैं क्या सीन है। तो ये यहाँ पे एंट्री होती है, ये पूरा बिल्डिंग का ये जो भी है सिस्टम। पब्लिक जा रही है वैसे अंदर और चालू है वैसे, आप भी देखो हम भी देखते चलते हैं। महावीर दिगंबर क्या है जैन मंदिर। पूरा बंद है अभी, मतलब पूरा लाइटिंग वाइटिंग बंद कर रखा है। तो पहले वो कर लेते गाइस, पूरा इसमें पानी वानी होता था किसी ज़माने में, ज़माना मतलब एक मौसम हिसाब से सब पूरा पानी वानी भर के रखते थे। तो अभी तो पूरा खाली है ये देखो। अगर मेरे पास वो वीडियो रहेगी ना पहले जब मैं आया था तब, जिसमें पूरा ऐसा पानी वानी वाला सिस्टम था, तो मैं उसको ज़रूर अटैच कर दूंगा इसके साथ ही। तो आप देखो ये मंदिर है, अभी आरती का टाइम हुआ नहीं है। हाँ चले उधर चले, अब इधर से इधर से पूरा पार्क वार्क टाइप एरिया आ जा। गाइस ये जो आप अभी देख रहे हो ये पूरा इस्कॉन सिटी है, इसको इस्कॉन सिटी बोलते हैं क्योंकि ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ था इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। और बाकी पता नहीं असली नाम क्या है इसका, इम्प्रेस सिटी, सॉरी इस्कॉन सिटी नहीं इम्प्रेस सिटी। ये जो आप देख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये इम्प्रेस सिटी है, इस्कॉन सिटी नहीं। और ये पार्क सा है छोटा मोटा बच्चों के लिए, लेकिन ये बड़े बड़े झूल रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते गाइस। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी वानी है जैसा जो मैं बता रहा था, बाकी उधर सूखा हुआ है। तो ठीक है सही है।